फ्रेंड्स, माय नेम इज नीलम एंड वेलकम टू माय चैनल नीलम ब्लॉग्स। सो आज मैं आपके लिए एक फुल वीक डाइट प्लान लेकर आई हूँ जो आप फॉर वन मंथ फॉलो कर सकते हो। कम से कम 6 to 7 वेराइटीज बताऊंगी मैं हर चीज की, ताकि ये आप पर मंथ फॉलो कर सको एंड आपको रिजल्ट मिल सके। ये एक विंटर डाइट प्लान होगा, तो मैं बताऊंगी वो चीजें जो विंटर्स में इजिली अवेलेबल है एंड जो बहुत हेल्दी है आपके वेट लॉस के लिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मॉर्निंग में उठते ही हमको क्या लेना है। आप स्टार्ट कर सकते हो अपना दिन ल्यूकॉम हनी वाटर के साथ, जिसमें आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी देना है, एक चम्मच शहद और एक नींबू निचोड़ के पीना है। अगर आपको लगता है आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है तो मेक श्योर आप नॉर्मल पानी की जगह जीरा पानी यूज करें। मैंने एक वीडियो बनाई है जीरा पानी के ऊपर, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो मॉर्निंग जब आपने जीरा पानी या ल्यूकॉम हनी वाटर से स्टार्ट करिए, उसके आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है एंड ना पीना है, क्योंकि वो आधा घंटा आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करने में आपको हेल्प करता है। उसके बाद आती है मॉर्निंग टी की बारी। अगर आप टी एडिक्टेड हो एंड आप उस टाइम पर टी लेते हो, तो मेक श्योर आप खाली पेट चाय ना पिए। उसके साथ आपको लेना है 5 to 6 एलमंड्स। एलमंड्स सोक्ड कर दो आप रात को। भीगे हुए बादाम आपको सुबह 5 से 6 लेने हैं अपने चाय के साथ, जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा एंड अराउंड 30 to 40 कैलोरीज होगी। उसके बाद आती है ब्रेकफास्ट की बारी। ब्रेकफास्ट में आपके बेस्ट ऑप्शन है बेसन का चीला, ओट्स का चीला, मूंग की दाल के चीले, उत्तपम, उपमा, नमकीन सेमिया, अप्पे, या फिर अगर आपको पसंद है किसी भी चीज के पराठे जो सर्दियों में खाए जाते हैं, आप उसको बना सकते हो। मेक श्योर आप उसकी रोटी टाइप्स बनाकर खाएं या बहुत ही मिनिमम ऑयल से कुकिंग करें एंड 1 या 1.5 पराठे से ज्यादा नहीं खाना है। उसके साथ आप इंक्लूड कर सकते हो 1 कटोरी दही। दही में प्रोटीन होता है एंड ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है इन सब में प्रोटीन होता है। साउथ इंडियंस के लिए आप इडली सांभर इजिली खा सकते हो। चटनी को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। डोसा खा सकते हो, बट उसमें बहुत कम ऑयल यूज करना है आपको। एंड पोहा अगर आपको पसंद है तो उसमें मेक श्योर आप पीनट्स यूज करें, क्योंकि पीनट्स में प्रोटीन होता है। हमारा मेन टारगेट है कि हम ब्रेकफास्ट में प्रोटीन जरूर इंक्लूड करें। सो ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद आपको एक फ्रूट खाना है। फ्रूट्स में आपके ऑप्शन है 1 मीडियम साइज एप्पल, या फिर ऑरेंज, गुआवा, पपाया, पाइनएप्पल, कीवी, स्ट्रॉबेरी, बनाना। सो कोई भी फ्रूट खा सकते हो बेसिकली आप, क्योंकि विंटर्स में ऑरेंज एंड गुआवा ज्यादा अवेलेबल होता है बिकॉज दे कंटेन मोर विटामिन सी, तो मेक श्योर आप जरूर खाएं। स्नैक के आधे से 1 घंटे के बाद आप लंच कर सकते हो अपने यूजुअल लंच टाइम में, जो कि 1 से 1.5 बजे तक होता है। लंच में आपके ऑप्शन है ब्राउन राइस विथ दाल, या फिर राजमा, छोले विथ सब्जी एंड सैलेड। लंच आपको शुरू करना है सैलेड के साथ। सैलेड में आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं विंटर्स में, लाइक मूली बहुत अच्छी आती है, रेड कैरेट मिलती है जो बहुत मीठी होती है, टेस्टी लगती है। आप टोमेटो खा सकते हो, क्यूकम्बर खा सकते हो। सैलेड से अपना लंच शुरू करो, ताकि आप बहुत ज्यादा ना खाओ लंच में। लंच में आपके ऑप्शंस है रोटी या ब्राउन राइस के साथ कोई भी वैरायटी ऑफ दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, कोई भी लेंटिल्स, क्योंकि लेंटिल्स बहुत अच्छे होते हैं लंच के टाइम खाने के लिए। लेंटिल्स को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए लंच के लिए बेस्ट ऑप्शन है। उसके साथ आपको इंक्लूड करनी है थोड़ी सी सब्जी, कोई भी सब्जी आप खा सकते हो। वेजीज में बहुत कम कैलोरीज होती है, तो सब्जी की क्वांटिटी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बट लेंटिल्स आप मेक श्योर 1 कटोरी से ज्यादा ना खाएं। राइस की क्वांटिटी इट कैन बी 1 कप, क्योंकि ब्राउन राइस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, तो ये बहुत अच्छे हैं आपकी हेल्थ के लिए। एंड रोटी फुल्का अगर आप खा रहे हो तो आप 2 फुल्का तक खा सकते हो। अगर आपको भूख लगती है उससे आपका पेट ना भरे, तो आप एक पापड़ और चटनी भी इंक्लूड कर सकते हो अपने लंच में। लंच के आधे घंटे बाद आपको 1 ग्लास बटर मिल्क लेना है, ताकि आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव कर सके, क्योंकि जो भी हमने लंच में खाया है उसका जो भी फैट है वो हम रिमूव करना चाहते हैं अपनी बॉडी से, तो बटर मिल्क एंड ग्रीन टी बहुत अच्छा काम करते हैं उस पर। अब बारी आती है शाम के स्नैक की। शाम को हमको थोड़ी बहुत भूख लगती है, चाय के साथ हम बहुत ज्यादा भूखे नहीं होते, बट मेक श्योर आप कुछ ना कुछ हेल्दी उस टाइम पे जरूर खाएं, क्योंकि अगर आप उस टाइम कुछ भी नहीं खा रहे हो तो आपको डिनर टाइम तक बहुत ज्यादा भूख लग जाएगी एंड तब आप क्वांटिटी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब स्नैक में आप क्या खा सकते हो, उसके ऑप्शंस है पॉपकॉर्न जो आप घर में बनाओगे, पैकेट वाला पॉपकॉर्न नहीं खाना है, मखाने या फिर वॉलनट्स यानी अखरोट। अखरोट भी बहुत अच्छे है हेल्थ के लिए। कुछ भी अवेलेबल नहीं हो तो आप रस्क खा सकते हो, या तो सूजी के रस्क या फिर होल व्हीट रस्क जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, या फिर होल व्हीट ब्रेड। ये सारे ऑप्शंस आप अपने स्नैक में इंक्लूड कर सकते हो, पर मेक श्योर आपको कुछ ना कुछ खाना है। यूजुअली लोग नमकीन खाना प्रेफर करते हैं चाय के साथ, या फिर बिस्किट्स, पर ये हेल्दी नहीं होते। इसकी जगह आप ये चीजें खाएं जो मैंने आपको बताई है, आप देखोगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। डिनर आपको बहुत लाइट वेट करना है, जितना
कितना लाइट वेट आप कर सकते हो इट्स अप टू यू। डिनर आप सूप से शुरू कर सकते हो क्योंकि सर्दियां हैं तो हम सिर्फ सैलेड नहीं खा सकते, हमको कुछ ना कुछ गर्म चाहिए होता है, तो आप सूप पी सकते हो। इधर आप कैरेट बीटरूट का सूप बना सकते हो, टोमेटो सूप बना सकते हो, वेजिटेबल सूप बना सकते हो, मशरूम सूप बना सकते हो, किसी भी वेराइटीज का सूप पी सकते हो। अगर आपका पेट नहीं भरता है सूप से तो आप सूप को ब्लेंड करने की जगह सिर्फ बॉइल करके उसमें नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर खा भी सकते हो, उससे आपका पेट ज्यादा फुल होगा। एंड अगर आपका सूप से पेट नहीं भरता है एंड आपको भूख लगती है उसके बाद, तो डोंट स्टॉप, जस्ट ईट वन चपाती विद बिग बॉल ऑफ वेजिटेबल। तो आप सूप को इग्नोर करें एंड एक फुल्का खा लो बहुत सारी सब्जी के साथ। सब्जी में बहुत लो कैलोरी होती है एंड बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, तो सब्जी खाने की कोई टेंशन नहीं, आप कोई भी सब्जी खाओ, कोई मनाही नहीं है, बट मेक श्योर कुछ भी हैवी नहीं खाओ रात को। दाल सोयाबीन वगैरह आपको डाइजेस्ट नहीं होगा रात को, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा आपकी बॉडी में। सो आप एक रोटी सब्जी और सैलेड खा सकते हो रात को। अब क्योंकि हमने लंच के बाद डिटॉक्स किया था तो हम डिनर के बाद भी डिटॉक्स जरूर करेंगे। डिटॉक्स करने के लिए आपको सोने से आधे घंटे पहले एक ग्लास दूध पीना है। एक ग्लास दूध पीना ना भूले क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एंड क्योंकि आप हेल्दी डाइट प्लान पे हो तो आपको दूध भी जरूर पीना है। दूध में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करनी है या फिर एक पिंच ऑफ सिनेमन, आपकी मर्जी आप क्या ऐड करना चाहते। देखोगे कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इससे। अगर आप ये दूध पीकर सोते हो तो आप रात भर आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे एंड सुबह आप देखोगे कि आपकी बेली ब्लोटेड नहीं है एंड फ्लैट होती जा रही है। डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे बेस्ट बेनिफिट यही होता है कि आपके बेली पे जो फैट आ गया है बहुत ज्यादा वो जल्दी कम होता है। कोशिश करिए कि एक से दो ग्रीन टी आप अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर करें, एंड आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो तो मेक श्योर आप उसके 10 से 15 मिनट पहले ब्लैक कॉफी पीने की कोशिश करें। उससे आपको बेनिफिट मिलता है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी बॉडी से मसल्स की जगह फैट बर्न होता है। सो गिव इट अ ट्राई एंड यू विल लव इट। आप इस डाइट को एक महीने तक फॉलो करके देखो आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझसे शेयर करते हैं कि हमारा 5 kg वेट कम हुआ या 6 kg वेट कम हो गया एक महीने में, या मुझे बताते हैं कि क्या डाइट एंड रूटीन वो फॉलो कर रहे हैं अपने वेट लॉस के लिए। सो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आपको क्या फायदा मिला इस डाइट से एंड आपका कितना वेट लॉस हुआ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।